मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। चौथे चरण में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है। एमपी में चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का संग्राम समाप्त हो चुका है। चौथे चरण में कुल 8 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वोटिंग की। मतदान केंद्र पर सीएम के साथ लोग सेल्फी लेने की होड़ में नजर आए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी के वॉर रूम का निरीक्षण किया और चौथे चरण की जारी वोटिंग की जानकारी ली। सीएम ने बीजेपी की जीत का फिर से दावा किया। देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य और इसका मैंने उपयोग किया। मेरा परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। चौथे चरण में निश्चित रूप की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। चौथे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रही इंदौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अपना मत डाला, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। सारे लोग ही सारे मतदान केंद्रों में जो भीड़ है वो सब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारत प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आगे भी इस देश की जनता मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपना चाहिए। मंदसौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे। मतदान को लेकर उत्साह का आलम ये था कि खंडवा में दूल्हा जयपुर से शादी के बाद घर जाने से पहले वोट डालने पहुंच गया। शाजापुर में भी दूल्हे ने वोटिंग की। इंदौर में चार जनरेशन ने चौथे चरण के लिए वोटिंग में हिस्सा लिया तो रतलाम में पोलिंग बूथ पर 3 जनरेशन एक साथ पहुंची और वोटिंग की। मंदसौर में पैदा हुए यूएसए में पढ़ाई करने वाले योदित्य गवरिया को जब पता चला कि अपने देश में चुनाव हो रहे हैं तो वे बाकायदा छुट्टी लेकर मतदान करने भारत लौट आए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कुछ ऐसी तस्वीर खरगोन से भी आई। यहां सुरभि यादव ने वोटिंग को लेकर अमेरिका जाने का प्लान बदल दिया और मतदान में शिरकत की। चौथे और अंतिम चरण के लिए मध्य प्रदेश में वोटर्स में उत्साह नजर आया। इंदौर में कांग्रेस के नोटा को वोट की अपील के बाद भले ही यह सीट चर्चा में आ गई हो लेकिन यहां पर शंकर ललवानी की राहत आसान नजर आती है। हालांकि प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।